बाय गॉड मजा आएगा। क्या मतलब राजा बाबू? आप इसका मतलब समझेंगे नहीं, बस आप देखिए। तलवारबाजी के अलावा और किन खेलों का शौक रखते हैं आप? नहीं, मैं क्रिकेट तक खेलता था। निर्लज्ज, तू फिर आ गया? हाँ तो गया है, लेकिन हिंदू मुस्लिम करने जो कि इसका काम है। काहे कि इस नफरती चिंटू को पता ही नहीं है कि सभी धर्म मानवता की शिक्षा देते हैं। खैर, इस नफरती चिंटू को समझ में आया तब ना। मेरे को जानता नहीं है ये। तो नफरती चिंटू सूरज चौहान के लिखता है, अल्लाह सबसे बड़ा है कहते कहते महादेव को किसने पैदा किया कहने वाले मौलाना अरशद मदनी की बोलती बंद करने वाला धमाकेदार इंटरव्यू देखे। किस तरह का कैरेक्टर है ये तो गांडा को खुद ही पता नहीं है कि किस तरह के कैरेक्टर में है। काहे के लोगों को उकसाने के चक्कर में लगा रहता है, लेकिन लोग इसको पत्रकारिता की दुनिया में हद भी नहीं समझते। इसीलिए तुम कुछ बेहतर करने की क्यों नहीं सोचते गांडे? क्यों अपने आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने में तुले हो और अपने बच्चों की भविष्य भी खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों ना कुछ ढंग का काम किया जाए जिससे तुम्हें भी एक बेहतर जीवन मिल सके और आने वाले बच्चों और पीढ़ियों के लिए भी बेहतर हो। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें बस यही बोलेंगी, वाह 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 कलम वाली भाई वाह। मजा नहीं आ रहा है, रुको जरा सबर करो। असल में हमारे देश में ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भाई आप इस दुनिया के एक अजूबा हैं। दिल्ली के लोग बीजेपी को वोट ना दे तो मुफ्त खोर बना देते हो, किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी बना देते हो, युवा नौकरी मांगे और नेता उसमें धांधली कराए तो बोलते हो कि युवा नौकरी के योग्य नहीं है। कहां से करते हो? कुछ शर्म भी आती है आपको? नहीं। ये सोचिए, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। तो ही पकड़े हैं चचा, कहा कि जो युवा नौकरी के लिए सालों मेहनत करते हैं उस अभ्यर्थी के खिलाफ बोल रहा है ये तिहाड़ी। हाय रे सरकारी मोहब्बत। अच्छा हाँ, कमाल तो देखिए, सरकार को इतना डिफेंड बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता भी नहीं कर सकते हैं। बात तो सही है। तो इसी पे अविनाश नामक यूजर लिखते हैं, जो खुद कैमरे पर 100 करोड़ की उगाही करते पकड़े गए वो सरकारी कर्मचारियों को घुसखोर बोल रहे हैं। हाँ भाई एक बात है तेरे में, ये जो 2000 वाली नोट में चिप तेरे जैसे पत्रकार ही खोज सकते हैं। हे भगवान, अब मुझे पता चला।